नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेके आया हूँ। आरबीएससी बोर्ड क्लास 5 के जो विद्यार्थी हैं हिंदी विषय के, उनके लिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो आया है। दोस्तों, मैं हिंदी विषय के पाठ तो सारे करवा दिए थे और आपसे कहा था कि व्याकरण की टॉपिक करवाऊंगा, लेकिन बीच किसी कारणवश नहीं करवा पाया। लेकिन अभी ये है कि भाई आपके जो एग्ज़ाम हैं जो 24 तारीख से होने थे वो अभी नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपके जो बच्चे भी ग्रामर की जो टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये शुरू किया है कि भाई आपका एक संज्ञा टॉपिक तो मैंने करवा दिया था। आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के आई बटन में आपको आरबीएससी बोर्ड क्लास 5 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जहाँ पर आपको हमारे द्वारा हिंदी की अपलोडेड सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन घंटे दबाना नहीं भूलिए, वीडियो कर दे लाइक शेयर और कमेंट। तो देखो, आज हम सर्वनाम की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सर्वनाम कहते किसे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी जो भी संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। अब देखो, राम के स्थान पर अगर हम ये लिख दें कि वह घर जाता है, तो वह जो शब्द है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो शब्द दोस्तों सर्वनाम है। वो वह क्या है, सर्वनाम है। तो इसीलिए हम जैसे सर्वनाम शब्दों के लिए मैं का, तुम का, वे का, वहाँ का, वह का, यह का, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये सब सर्वनाम शब्द है। दूसरा प्रश्न आता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है दोस्तों संबंधवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठा होता है निजवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। अगला प्रश्न आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद उदाहरण से बताओ। जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले, किसी अन्य व्यक्ति बारे में प्रयोग करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 3 प्रकार होते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसके बारे में कहा जाता है, उनके बारे में बात की जाती है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद है। एक तो है उत्तम पुरुष, जो बोलता है, जिसमें हम कहेंगे मैं, हम, मैंने, हमने। एक है मध्यम पुरुष, जो सुनता है, जैसे तू, तुम, तुमने और आप। ये देखो, आप जो शब्द है ये यहाँ पर आदर सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष हैं, जैसे वह, वे, उन्होंने, उनने, उसका। इस प्रकार ये उत्तम पुरुष के भेद हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से छांटिए, कल मैं बाजार जाऊंगा, राज और रश्मि भी मेरे साथ जाएंगे, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हम उनके लिए पुस्तक लाएंगे। अब इनमें सर्वनाम छांटना है। तो देखो, पहले आएगा मैं, दूसरा आएगा मेरे, तीसरा आएगा तुम, अगला आएगा मेरे, फिर आएगा हम, फिर आएगा उनके। ये इतने सर्वनाम हैं। ऐसा प्रश्न भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निश्चय निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उदाहरण से बताइए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, आपने, आप। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर्वनाम से संबंधित है। आप इनको देख सकते हैं, और आपने बाकी वीडियो नहीं देखी तो आप रिटर्न में आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।